पिछले एक हफ्ते में भारी बारिश की वजह से उत्तर भारत का बड़ा हिस्सा बाढ़ या बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा से घरों, वाहनों, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। चंडीगढ़ में भी तीन दिनों में 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल रहा, 500 mm से ज्यादा 72 घंटे में हमारे पास रेनफॉल आ गया। सिर्फ हमारे पास नहीं, पूरे नॉर्दर्न रीजन में ही जो ये डिल्यूज था, इसकी मार सबको झेलनी पड़ी। बाढ़ के बावजूद सिटी ब्यूटीफुल ठहरा नहीं। कजौली में सड़क धंसने और पानी की सप्लाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान के अलावा शहर में बड़े पैमाने पर ठहराव नहीं आया। जिस तरह से चंडीगढ़ डिजाइन किया गया था, एक तो सबसे अच्छी बात है, चंडीगढ़ एक नेचुरल इंक्लाइन पे है। सो नेचुरल इंक्लाइन पे, ग्रेडियंट पे होने की वजह से जितना पानी आता है वो बह जाता है। दूसरा, जब हमारी सिटी डिजाइन हुई थी वो बहुत ही सुंदर ढंग से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जो ज्यादातर सिटीज में बनी ही नहीं कभी। जब बारिश हो रही थी तो कुछ इलाकों में पानी जमा हो गया, लेकिन जब बारिश रुकी तो पड़ोसी शहरों मोहाली और पंचकुला के उलटिया हालात जल्द ही ठीक हो गए। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इसका श्रेय शहर के बुनियादी ढांचे के डिजाइन को जाता है। Despite such a heavy rainfall, the system is designed, at the 1/4 of the rainfall that we received, but it handled 4 or 5 times that capacity. So I think system was well designed, but now we are again evaluating the effectiveness of the system and whether we need to improve it further. कजौली वाटर वर्क्स को नुकसान पहुंचा है, इससे शहर की पीने के पानी की बड़ी जरूरत पूरी होती है। हालांकि शहर में अब भी नियमित पानी सप्लाई बहाल नहीं की जा सकी है, लेकिन अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि इसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने भी ये कहा है कि भविष्य में नुकसान ना हो, इसके लिए कजौली में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। कजौली वाटर वर्क्स में भी जो हमारे मेजर पाइपलाइंस है उनके प्रोटेक्शन वर्क्स जो है अंडरटेक करने का प्लान किया गया है, उसकी डिजास्टर प्रूफिंग करने का प्लान किया गया है, ताकि वो जो इम्पोर्टेंट आपका मेन सोर्स है जहाँ से पानी आती है, उसे किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। चंडीगढ़ प्रशासन ने न केवल बारिश के पानी के संरक्षण के लिए बल्कि जल भराव और बाढ़ को रोकने के लिए भी वर्षा जल संचयन परियोजनाओं को लागू करने की योजना बनाई है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के सिस्टम के लिए हमने रोड पे ही रीस्ट्रक्चर, रेन हार्वेस्टिंग रीस्ट्रक्चर्स बनाने का इस बार के बजट में हमने प्रपोजल बनाया है। अभी हम उसे सदर्न सेक्टर में, क्योंकि वाटर लॉगिंग सदर्न सेक्टर में ज्यादा होती है क्योंकि वो ग्रेडियंट में नीचे है, वहां पे हमने उसका पायलट लिया है। अगर वो पायलट सक्सेसफुल होती है तो अगले 1-2 साल में हम सारे सेक्टर्स में ही वो स्ट्रक्चर्स जो है क्रिएट करना शुरू कर देंगे। बहुत ज्यादा बारिश की वजह से शहर के सुखना झील का जल स्तर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है।